नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल क्रिप्टो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे कि आने वाले एक से दो वीक के अंदर या तीन वीक के अंदर जो कॉइन का फ्लक्चुएशन रहेगा, मार्केट रहेगा, वो किस प्रकार से रहेगा। अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको जो ट्रेडिंग करनी है वो जो कॉइन है, किस कॉइन में आप ट्रेडिंग करें ताकि आपको प्रॉफिट जो है, आपका जो मुनाफा है वो है काफ़ी ज़्यादा हो आपको। तो ये कुछ करेंसी हैं आपके सामने, कार्डेनो, ईओएस। तो इनके बारे में बताने से पहले कृपया करके आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी जानकारियाँ मिलती रहें। चलिए दोस्तों हम डिस्कस करते हैं कि आने वाले एक से दो वीक के अंदर आपको जो करेंसी है मार्केट की, प्रॉफिटेबल करेंसी है, उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट है कार्डेनो। कार्डेनो ने क्या है कि एक नया प्लेटफॉर्म अभी लॉन्च किया है और इसका ऑप्टिमाइजेशन अभी चल रहा है और आने वाले दो से तीन वीक के अंदर कार्डेनो का जो प्राइस है वो काफ़ी बढ़ सकता है, क्योंकि इन्होंने नए वॉलेट का रिस्टोरेशन किया है और इसका जो नए वॉलेट का जो मेथड है वो अलग प्रकार से इन्होंने ऑप्टिमाइज़ किया है और इसमें काफ़ी बग्स थे जो कि फिक्स किए जा चुके हैं। नेक्स्ट है वर्ज एक्सवीजी। एक्सवीजी ने भी क्या है कि 51% इसके ऊपर अटैक हुआ था और इसमें से सारे जो बग हैं वो निकाल लिए गए हैं और एक्सवीजी का टाइप भी काफ़ी अदर जो टॉप रेपुटेटेड कंपनी है उनके साथ होने जा रहा है। उसके बाद ईओएस को हम बोल सकते हैं कि इथेरियम का छोटा भाई है ये, ठीक है। इथेरियम का जो छोटा भाई होने के नाते इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो भी इम्प्रूव की गई है। चाइनीज इंटरनेट सिक्योरिटी फोरम QIHO ने क्लेम किया है इसकी जितनी भी वल्नरेबिलिटी थी उनको दूर किया गया है और इसके CTO है ईओएस को, जो कि इसके बारे में न्यूज़ थी, उन्होंने भी बग्स को निकालने में काफ़ी हद तक हेल्प किया है। और उसके बाद आता है आयोटा। आयोटा भी आपको आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। आपको डिप पे कॉइन बाई करने हैं और इसका जो ट्रीनेटो मोबाइल वॉलेट एप्लीकेशन इम्प्रूव हुआ है और अभी वो रिलीज होने वाला है। TRX ट्रोन का आने वाले टाइम में प्राइस बढ़ सकता है और इसका जो प्राइस का फ्लक्चुएशन है वो जारी रहेगा, ठीक है। और 2018 में फीफा वर्ल्ड कप का ये मेन स्पॉन्सर है तो फीफा वर्ल्ड कप के अंदर इसके बैनर्स आपको नज़र आएंगे, राइट। नेक्स्ट है मोनेरो XMR। तो मोनेरो में क्या है कि जो साइंटिस्ट नेट्स को जिसने ये खोजा था, मोनेरो की जो माइनिंग है, मालवेयर है और इसका जो अमेजन क्लाउड में इसका यूज़ हो रहा है और जो मालवेयर है इसका जो निकनेम एक्स बूस्टर जो था, उन्होंने जो माइनिंग मशीन है वो इतने $100,000 की जो माइनिंग मशीन है वो सेटअप की गई है मल्टीपल मोनेरो अकाउंट्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है फनफेयर का रेट भी आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा खासा जा सकता है और इसकी जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है वो भी काफ़ी अच्छी है और इस कंपनी ने अपने दूसरे प्रोजेक्ट भी लॉन्च करने धीरे धीरे स्टार्ट किए हैं। तो आने वाले टाइम में आपको काफ़ी प्रॉफिट मिलेगा। जैसे ZRX है, OX है, इस कॉइन की भी काफ़ी संभावना है। REP भी अभी इनका रेट 25-18% हाई हो चुका है ऑलरेडी और इसके बाद जो मैं कॉइन के बारे में आपको बताऊंगा, उस कॉइन का जो नाम है आप भली भांति जानते हैं और रेट है उसका जो काफ़ी डाउन चल रहा है और ये जो मार्केट देख रहे हैं ये जस्ट फ्लक्चुएशन है कि इन दोनों कॉइन्स में कितना मार्केट का फ्लक्चुएशन हुआ है। यस दोस्तों, इथेरियम क्लासिक का हार्ड फोक होने वाला है जो कि उसका जो प्राइस है उसको काफ़ी इंक्रीज कर देगा। तो दोस्तों, ये जो कॉइन मैंने बताए हैं इनके ऊपर आपको फोकस करना है और अगर आपने खरीद रखे हैं तो होल्ड करके रखना है, अगर नहीं खरीदे हैं तो आप बाई कर सकते हैं सेफ वैल्यू के हिसाब से, ठीक है दोस्तों। तो इस चैनल को आप जितना जल्दी हो सके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आपको क्रिप्टो करेंसी मार्केट की ओरिजिनल न्यूज़, 100% न्यूज़ आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच गाइज़।